घर पे तो आपका स्वागत करता हूँ सर्च इंडिया न्यूज चैनल पर। आज बात कर रहे हैं जो नव नियुक्त ग्राम प्रधान चुने गए हैं अभी हाल ही के ग्राम पंचायत चुनावों में। आज बात कर रहे हैं उनके शपथ ग्रहण की। जी हाँ, यूपी सरकार का फैसला था कि उनको जो शपथ ग्रहण कराई जाएगी वो ऑनलाइन कराई जाएगी, वर्चुअल माध्यम से कराई जाएगी। 25 और 26 तिथि को ये कार्य संपन्न कराया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। जी हाँ, और 27 तारीख को पहली बैठक होगी। ये जो बैठक होगी इसमें सभी नए ग्राम प्रधान और उनके चुने हुए जो मेंबर हैं उन सभी की ये बैठक होगी ग्राम पंचायत पर। आज सर्च इंडिया की टीम पहुंची जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और मौके पर पहुंचकर जो अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह करा रहे थे उनसे बात की, जिन ग्राम प्रधानों ने शपथ ली है उनसे भी जानने का प्रयास किया। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये सारा शपथ ग्रहण समारोह कराया गया। आइए आपको दिखाते हैं सर्च इंडिया की एक विशेष रिपोर्ट। और मैं ग्राम पंचायत के रूप में अपने जैसे कि अभी ऑनलाइन शपथ ग्रहण समारोह कराया गया है और अलीपुर ब्लॉक से सचिव नीरज जी मेरे साथ हैं जिन्होंने ये शपथ ग्रहण समारोह जिनके संरक्षण में हुआ है, तो आइए जानते हैं उनसे भी क्या कहना है और किस प्रकार के आदेश थे शपथ ग्रहण को लेकर। आइए बात करें उनसे, नीरज जी से। नीरज जी, जानना चाहेंगे क्या सारे आदेश आए थे शपथ ग्रहण को लेकर और क्या प्रक्रिया रही है उसके बारे में जानना चाहेंगे। इस शपथ ग्रहण में कोरोना का चला है समय उसको देखते हुए हमारे जिलाधिकारी महोदय विनोद ने आदेश जारी किए थे कि सभी को वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया जाएगा। उसके लिए सुबह डिस्टेंसिंग मिलेगी मेरे राय के अलग से कि सबको सुबह डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क पहन के ही शपथ लगाई जाए। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी गई है और सभी लोगों ने मास्क भी लगा रखे हैं, तो आशा करते हैं कि सभी ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपना शपथ ग्रहण पूरा किया है और जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं, जो नए प्रधान चुने गए हैं, आशा करते हैं वो भी अपने विकास, जो अपना गांव का क्षेत्र है उसमें कोरोना से संबंधित जो भी इस समय विकास कार्य होने चाहिए, सैनिटाइजेशन, मास्क वितरण, आशा करते हैं आप सब लोग भी ऐसा करेंगे और आप अपने गाँव की जनता को भी कोरोना के प्रति अपना जो जागरूक अभियान है उसमें आप भागीदारी बनाए रखेंगे। सर्च इंडिया की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कहते हैं हमारे ब्लॉक की तरफ से अभी लगभग 100% ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजेशन कार्य करा गया है। अच्छा, और लगातार उसका प्रयास जारी है कि गांव में कोई भी कोरोना पॉजिटिव ना निकले और फिर लगातार प्रयास करते हैं सभी हमारे ब्लॉक की टीम और हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय के निर्देश में सभी लोग पालन कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं राहुल जी जो अभी नवनिर्वाचित प्रधान है, उन्होंने अभी शपथ ली है। आइए जानते हैं उनसे क्या उनका कहना है इस सारे शपथ ग्रहण समारोह पे। कोरोना के चलते जैसा कि आप बोलते थे बीमारी फैल रही है, तो उसके कोरोना प्रोटोकॉल मद्देनजर रखते हुए हमारी शपथ जो आज ऑनलाइन माध्यम द्वारा हमारे सचिव महोदय द्वारा कराई गई। और सहजानी गांव के प्रधान है ईश्वर सिंह जी मेरे साथ, तो किस तरीके से आपका शपथ ग्रहण कराया गया मैं जानना चाहूँगा। कोरोना की वजह से हम लोगों ने डिस्टेंसिंग का पालन किया है और हमारी ये शपथ जो है ऑनलाइन के माध्यम से की गई है। ठीक है, हाँ, जिसका मैं अति आभारी। ठीक है, तो अब जैसे कि आप आधिकारिक तौर पे क्योंकि शपथ भी हो चुकी है, आप प्रधान नियुक्त हो चुके हैं, तो आगे आपका क्या नीति रहेगी, क्या विकास कार्य के प्रति आपका मानना है? हम लोग दो बार करा चुके हैं। करा चुके हैं, तो आप अपने गांव में दो बार सैनिटाइजेशन का कार्य करा चुके हैं। आशा करते हैं आप भी अपने गांव में जो कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको लोगों का जागरूक करने का कार्य करें। जी जी। तो देखिए बात करें तो ईश्वर सिंह जी से सहजानी गांव से प्रधान बने हैं और आज शपथ ग्रहण समारोह भी इनका हो चुका है। धन्यवाद। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।